नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? घर में तो है ना, बाहर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि बाहर कोरोना है। यानी कि घर में रहना है और खूब सारी मस्ती करनी है, लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई भी जरूरी है। तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ आज के लिए आपके लिए टॉपिक, नंबर्स बियॉन्ड 100। मतलब अभी तक हम लोगों ने पढ़े 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, आज हम लोग पढ़ेंगे 3 डिजिट नंबर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? 1 डिजिट नंबर, जिसमें केवल आपके वंस पे डिजिट थी। दूसरे चैप्टर में अपन ने पढ़ा था जिसमें वंस और टेंस 2 डिजिट्स थी। अब यहाँ पे क्या है? बियॉन्ड 100, मतलब 100 से ऊपर वाले। अब 100 से ऊपर तो क्या हो जाएगा? वंस, टेंस, अपने को पता ही है वंस और टेंस का। आगे क्या होता है? थर्ड वाला 100। सुना होगा पापा से, ये 100 रुपए हैं, या स्कूल में बोला होगा मैडम ने, कल जाके 500 रुपीज लेके आना फंक्शन के लिए। सुना है ना? तो भाई ये वही वाला 100 है। लेकिन 3 डिजिट कहाँ तक काम करती है? ये 999 तक। उसके बाद क्या होगा? 4 डिजिट आ जाएंगी। 4 डिजिट आएंगी तो आगे 1000 आ जाता है। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे अभी केवल 999 तक, यानी कि केवल जहां पे मैक्सिमम लिमिट जो है वो 100 तक ही जाए। चलिए अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक स्कूल के बच्चों के साथ साथ बड़े बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू और व्हाट इज द फेस वैल्यू, और बड़े बड़े लोग इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज। क्यों भाई कंफ्यूज? क्यों कंफ्यूज? क्यों? इसलिए कि वो कर जाते हैं गलती, प्लेस वैल्यू की जगह फेस वैल्यू कर जाते हैं, फेस वैल्यू की जगह प्लेस वैल्यू कर देते हैं, या फिर कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये फेस वैल्यू है क्या भैया। तो क्या करेंगे अपन, एक बार पढ़ लेते हैं। प्लेस वैल्यू नंबर मान लेते हैं हम लोग 145। अब 145 में देखिए, सबसे पहली डिजिट जो राइट साइड में है वो हो गई वंस, दूसरी डिजिट हो गई टेंस, तीसरी डिजिट हो गई 100। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 5 की? वंस प्लेस पे है तो 5 × 1, 5 हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। टेंस प्लेस पे क्या है? 4। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 4 टेंस प्लेस पे है तो 4 × 10, 4 × 10 क्या होता है भैया? टेबल याद है कि नहीं? याद नहीं याद है तो अब याद कर लीजिए। 4 × 10 वैसे सबसे सिंपल किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों? क्योंकि उस नंबर के पीछे बस एक जीरो बढ़ाना है 10 के लिए, और 100 के लिए 2 जीरो, तो 4 × 10 क्या हो जाएगा? 40। 100 प्लेस पे क्या है? 1। अब 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 की प्लेस वैल्यू है 1 × 100, यानी कि 100। अब बात करते हैं हम लोग फेस वैल्यू की। सब लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेस वैल्यू क्या है भैया। फेस मतलब तो चेहरा होता है, तो भाई यहां पे भी हम नंबर के चेहरे की ही बात कर रहे हैं। अब 145, 5 की फेस वैल्यू क्या है भाई? 5 तो 5 के बराबर ही है ना, तो 5 की फेस वैल्यू 5, भले वो कहीं पर भी हो, चाहे वंस में हो, चाहे टेंस में, चाहे 100 में। टेंस प्लेस पे क्या था आपका? 4। 4 की फेस वैल्यू क्या है भैया? है तो 4 की वैल्यू 4 ही है, भले वो वंस पे हो, चाहे टेंस पे हो, चाहे 100 पे, है तो 4 ही, तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 4 की? 4। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या थी? 40। ध्यान रखिएगा इस चीज को। सिमिलरली 1, इसकी फेस वैल्यू क्या है? इसकी फेस वैल्यू है 1, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या थी? 100। अंतर समझ में आया दोनों का? नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा थोड़ा सा रिवाइंड करके सुन लीजिए।
आगे बढ़ते हैं, आगे एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखिए कोई भी नंबर अज्यूम कर लेते हैं 435, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो देखिए राइट वाली डिजिट वंस, फिर टेंस, लेफ्ट वाली 100, तो 400 प्लस 3 टेंस प्लस 5 वंस, यानी कि 400 प्लस 30 प्लस 5, ये होता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। 145 जो हम शुरुआत से लेते हुए आए, नंबर 145 145, वापस इसे ले लेते हैं, तो 145 में क्या होगा, 100 प्लस 40 प्लस 5। अब भाई हमने एक्सपेंड करना तो सीख लिया, अब शॉर्ट फॉर्म भी सीख लेते हैं, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म जो बोलते हैं। अगर मैं बोलूं लिखा हुआ है 300 प्लस 50 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा भैया, वंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे है आपका 4, टेंस में क्या है 50 है, तो टेंस में क्या हो जाएगा यहां पे 5, 100 में क्या है 3, तो 354। सिमिलरली 100 प्लस 40 प्लस 5 में क्या हो जाएगा 145। अब एक अगला टॉपिक, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। अब भाई एक बात बताइए, हमेशा हम लोग पढ़ते आए हैं कि इस राजा के बाद ये राजा हुआ, उस राजा के बाद वो राजा हुआ, उसके बाद वो हुआ, तो क्या बोलते हैं अपन बाद वालों को, सक्सेसर, और पहले वालों को प्रेडिसेसर। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आप खुद, आपसे बड़ा आपके घर में कौन है, आपके पापा और मम्मी। अब पापा मम्मी जो हैं वो आपके हो गए प्रेडिसेसर्स, आपसे पहले वाले, उनके प्रेडिसेसर्स कौन हो गए, दादी दादा हो गए, नाना नानी हो गए। और अगर मैं बात करूं सक्सेसर की, तो दादा दादी के सक्सेसर कौन हो गए, आपके पापा हो गए, आपकी बुआ हो गई, चाचा लोग हो गए, ताया जी लोग हो गए, और आपके पापा के सक्सेसर कौन हो गया, आप लोग खुद हो गए। ऐसे ही नंबर जो कि जो भी आपको नंबर दिया हो उससे पहले आता हो तो उसको अपन बोलते हैं प्रेडिसेसर। जैसे 295 का प्रेडिसेसर क्या हो गया, 294। या फिर मैं कहूं 294 का सक्सेसर क्या हो गया, तो वो हो जाएगा 295। तो जो नंबर बाद में आता है किसी भी दिए हुए नंबर के, तो बाद वाले नंबर को अपन क्या बोलते हैं, सक्सेसर। जैसे 1 का सक्सेसर क्या है, 2, 5 का सक्सेसर क्या है, 6, और 5 का प्रेडिसेसर क्या है, 4। ऐसे ही सक्सेसर 451 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 452। क्लियर है, नहीं क्लियर तो एक बार रिवाइंड कर लीजिए। अगला टॉपिक है ऑड एंड इवन नंबर्स। ऑड एंड इवन नंबर्स अपन ने पिछले भी वीडियो में पढ़ा है, एक बार याद है, नहीं याद तो दोबारा से पुराना वीडियो देख लीजिए। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। 2 से डिवाइड कब होगा कोई नंबर, जब उसकी वंस प्लेस पे क्या होगा, 0 2 4 6 या फिर 8 होगा। एग्जाम्पल 144 हो गया, 988 हो गया, 430 हो गया। ऑड नंबर्स, अब ऑड नंबर क्या है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो। अब नंबर 2 से डिवाइड कब नहीं होगा, जब उसकी वंस प्लेस पे 1 3 5 7 या फिर 9 होगा। एग्जाम्पल 421, 999, 743, 501, इन सभी नंबर्स के वंस प्लेस देखिए, वंस प्लेस पे क्या है इन सभी नंबर्स के, 1 9 3 1 1 9 3 1, यानी कि ये नंबर सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं।
आगे पढ़ते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अब भाई असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर तो मैंने कल भी समझाया था। असेंडिंग मतलब क्या होता है? असेंडिंग में मैंने समझाया था पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। स्कूल जाते हो, असेंबली में खड़े होते हो, प्रेयर करते हो। स्कूल में कैसे खड़ा करते हैं? सबसे आगे सबसे छोटा बच्चा हाइट में, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो कैसा ऑर्डर हो गया वो? इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर। वैसे ही नंबर को भी अगर मैं ऐसे अरेंज कर लूं छोटे से बड़ा, तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा? अगर भाई मैं उल्टा लाइन खड़ी कर दूं, यानी कि बड़े से लेके छोटे पे, तो कैसा ऑर्डर हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। मान लेते हैं अपने पास 5 नंबर है, 175, 423, 999, 762 और 491। इनको मैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में जमाऊं तो कैसे होगा? सबसे छोटा क्या है इसमें से? 175। तो सबसे पहले 175, इसके बाद ये मैंने लिख लिया है। इनमें से कौन सा इसके बाद है? 423 सेकेंड नंबर मेरा ये हो गया, ये दोनों नंबर मेरे यूज हो गए। उसके बाद इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इन तीनों में सबसे छोटा नंबर है 491, ये नंबर भी मेरा यूज हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है? 762, तो 762 और लास्ट में 999। तो नंबर क्या है? पहले छोटा फिर बड़ा। तो कैसा ऑर्डर हो गया ये? असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसा मैंने बताया था? बड़े से छोटा, यानी कि अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं। बिल्कुल भैया उल्टा, ऐसा नहीं करना कि खुद पैर ऊपर कर लो सर नीचे, ऐसा नहीं। कैसे? बड़ा नंबर आगे, छोटा नंबर पीछे। तो बड़ा फिर उसे छोटा, फिर उसे छोटा, फिर उसे छोटा, फिर उसे छोटा। कैसा ऑर्डर हो गया ये? डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि अगर अब आपको 3 नंबर दिए हुए हों, अब भाई 9 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, अब यहां पे 3 डिजिट के नंबर आप कितने बना सकते हैं? कितने बनाएंगे? सबसे पहले क्या करिए, 9 को पकड़ लीजिए, पहली डिजिट को पकड़ लीजिए और पकड़ के लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए एक जगह पे। लिख लिया? बाद वाले जो नंबर है उनको कैसे लिख सकते हैं अपन? 7 और 8 दो हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक बार 7 को टेंस प्लेस पे लिख सकते हैं और एक बार वंस प्लेस पे, 8 को एक बार टेंस प्लेस पे, एक बार वंस प्लेस पे। तो 2 नंबर आपके बन गए, जिसमें कि 9 को अपन ने पकड़ के बना लिया, 978 और 987। दूसरा नंबर, ओ सॉरी, थर्ड नंबर जो कि 7 से स्टार्ट होगा, दूसरी डिजिट से स्टार्ट होगा, 7 को मैंने पकड़ लिया। अब क्या बचा मेरे पास? 9 और 8। 9 और 8 जो बने, एक बार वापस से भाई 9 को उठा के मैंने रख दिया टेंस प्लेस पे, 8 को रख दिया वंस पे। दूसरे नंबर के लिए मैंने 7 को तो पकड़ा हुआ पहले नंबर पे था ही ना, तो बाकी 8 को मैंने इस बार क्या किया, टेंस पे रख दिया और 9 को वंस पे रख दिया। कोई ऑप्शन नहीं बचा अब 7 को पकड़े हुए। आखिरी के लिए क्या किया मैंने? 8 को पकड़ लिया, भैया अब तो कस के अब नहीं छोड़ूंगा इसको मैं। अभी मेरे पास बचा 9 और 7, तो क्या किया, 8 को आगे रखा सबसे, 7 और 9 को, पहले 7 को टेंथ पे, 9 को वंस पे, बाद में 9 को टेंथ पे और 7 को वंस पे रखा, और ये मेरे नंबर 6 बन के तैयार हुए। 978, 987, 798, 789, 879, 897। टोटल मिला के कितने नंबर बने? 6 नंबर्स बने। बने ना भैया? तो टोटल नंबर्स कैसे कितने बनेंगे? 6। इसी के साथ अपना आज का टॉपिक खत्म होता है, नंबर्स बियॉन्ड 100। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये चैनल के बारे में बताएं।
बाकी आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, आप खुद बहुत समझदार हैं। बाहर कोरोना वायरस है, बाहर बिल्कुल भी ना घूमें, पापा मम्मी को परेशान भी ना करें, हो सके तो उनकी मदद करें, छोटे छोटे कामों में करें, अपने सामान ही जमा लें, अपने खिलौने ही जमा लें, सुबह खेलें तो खिलौने निकाल लें, लेकिन रात के सोने से पहले पूरे के पूरे खिलौने अंदर वापस से जमा के रख दें, जिससे मम्मी पापा बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे और आपसे बहुत सारा प्यार करेंगे। पापा मम्मी का भी बहुत सारा आप ध्यान रखिए, पापा मम्मी को भी बाहर मत जाने दीजिएगा, और अगर किसी कारणवश बाहर जाना पड़े तो पापा मम्मी को बोलिएगा मास्क लगा के जाएं, और मास्क आप आराम से अपने घर पे रह के रूमाल से भी बना सकते हैं। उस रूमाल को बाहर से आने के बाद तुरंत धोएं, और धो के धूप में अगर हो सके तो सुखा दें उसको अच्छे से। जब धूप में रूमाल सूखेगा, कोरोना वहीं मर जाएगा, और आप बिल्कुल भी बाहर मत निकलिएगा, आराम से घर में रहिए, खाते पीते रहिए, खेलिए कूदिए, थोड़ी पढ़ाई जरूर करें और खूब सारी मस्ती करें। जय हिंद, जय भारत।